वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जून 2019 और 28 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये हिंदी में लिखा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? MSME डे, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। अच्छा, माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो जो MSME होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। अच्छा, एक और माइंड में बात क्लिक करनी चाहिए कि आखिर MSME होते क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिनमें 250 से कम लोगों को रोजगार मिलता है, यानी कि जो छोटे उद्यम होते हैं उन्हें हम MSME कहते हैं। 250 से कम लोगों को जिन भी उद्यम में रोजगार मिलता है उन्हें हम MSME कहेंगे। अब बात MSME की है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे MSME मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी प्रेजेंट टाइम पे हमारे MSME मिनिस्टर हैं। और MSME स्टेट मिनिस्टर कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी प्रेजेंट टाइम पे हमारे MSME स्टेट मिनिस्टर हैं। ये हैं प्रताप चंद्र सारंगी और ये प्रेजेंट टाइम पे MSME स्टेट मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये जो MSME डे मनाया जाता है इसे मनाता कौन है? इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है और यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और UNSC के परमानेंट मेंबर भी आपको याद रखने हैं, UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें हम P5 कंट्री कहते हैं। तो P5 कंट्री कौन सी है? US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये P5 कंट्री भी आपको याद रखनी है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो कल ही मैंने आपको जून के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में बताए थे। अब आप वीडियो को पॉज करिए और जून के जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक दिवस कहाँ मनाया गया है? तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में बिम्स्टेक दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है बिम्स्टेक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो बिम्स्टेक होता क्या है? ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और बिम्स्टेक की अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीलंका के पास। अच्छा, मैंने आपको बताया ये बंगाल की खाड़ी के आसपास की 7 देशों का समूह है। तो वो 7 देश कौन से हैं? 7 देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सामंत कुमार गोयल को रॉ के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सामंत कुमार गोयल और ये अब रॉ के नए चीफ अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, अभी तक चीफ कौन थे? अभी तक चीफ थे AK धस्माना, अब इन्हीं की जगह लेंगे सामंत कुमार गोयल। अच्छा, रॉ की स्थापना कब हुई थी? रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में।
और रॉ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जापान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी G20 समिट होनी है जापान के ओसाका में, और वहीं पे पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जापान गए हैं। अब जापान गए हैं तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी विजया निर्मला का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो जी विजया निर्मला ये एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलुगु फिल्मों की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, ये थी जी विजया निर्मला। ये अभिनेत्री भी थी और तेलुगु फिल्मों की एक फेमस डायरेक्टर भी थी, और इन्होंने अभी तक तेलुगु फिल्मों में सबसे ज्यादा फिल्मों को डायरेक्ट किया है, और इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, तो इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। तो इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है जी विजया निर्मला, और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक की बोली जीती है? तो अभी इटली ने 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की बोली जीती है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद ये टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, बोली जीतने का क्या मतलब है? बोली जीतने का मतलब है 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो इटली में होंगे। अच्छा, 2026 से पहले तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होने हैं, वो कहाँ पे होंगे? वो चाइना में होंगे। तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक चाइना में होंगे, और उसके बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में होंगे। अब इटली में होंगे तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोसेपे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस संधि पहल के विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी नई दिल्ली में पेरिस संधि पहल के विशेषज्ञ कार्य समूह की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये विशेषज्ञ कार्य समूह क्या है? एक्चुअल में बांग्लादेश में अभी अफीम की तस्करी से जो वित्तीय आपदा उत्पन्न होती है उस पर एक कार्य समिति का आयोजन होना है, और उसी से पहले एक विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक अपने देश इंडिया में न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IOC के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है? तो अभी नरेंद्र बत्रा को IOC के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नरेंद्र बत्रा, और ये इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अब इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ये इंपॉर्टेंट है, अभी दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। IOC का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और IOC के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस वाच। कौन है? थॉमस वाच। और अब IOC के सदस्य के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ग्रैंड प्री 2019 किसने जीता है? तो अभी लुईस हैमिल्टन ने फ्रांस ग्रैंड प्री 2019 जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लुईस हैमिल्टन, और इन्होंने फ्रांस ग्रैंड प्री 2019 जीता है। अच्छा, ये जितने भी ग्रैंड प्री होते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इनकी कंपनी का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो लुईस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और इस साल 8 ग्रैंड प्री हो चुके हैं, और 8 में से 6 तो अकेले लुईस हैमिल्टन ने जीत लिए हैं। और इस साल के 8वां ग्रैंड प्री मैं आपको बता चुका हूं, और 8 के 8 आपको याद रखने हैं। इस साल पहला ग्रैंड प्री कौन सा हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता था? वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरा ग्रैंड प्री हुआ था बहरीन ग्रैंड प्री। बहरीन ग्रैंड प्री लुईस हैमिल्टन ने जीता था। तीसरा कौन सा हुआ था? चाइनीज ग्रैंड प्री। चाइनीज ग्रैंड प्री भी लुईस हैमिल्टन ने जीता। चौथा हुआ था अजरबैजान ग्रैंड प्री। अजरबैजान ग्रैंड प्री किसने जीता? वाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद पांचवा ग्रैंड प्री कौन सा हुआ था? स्पेनिश ग्रैंड प्री। स्पेनिश ग्रैंड प्री लुईस हैमिल्टन ने जीता था। उसके बाद छठा ग्रैंड प्री हुआ था मोनैको ग्रैंड प्री। मोनैको ग्रैंड प्री भी लुईस हैमिल्टन ने जीता। सातवां ग्रैंड प्री कौन सा हुआ था? कनाडा ग्रैंड प्री। कनाडा ग्रैंड प्री लुईस हैमिल्टन ने जीता था। और अब ये आठवां ग्रैंड प्री हुआ है फ्रांस ग्रैंड प्री, ये भी लुईस हैमिल्टन ने जीत लिया है।
तो ये आठ के आठ ग्रांड प्री इसी तरह आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होने चाहिए। लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी ग्रांड प्री हो, आप इस साल के सारे ग्रांड प्री बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। तो फ्रांस ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है और ये इनका इस साल का छठा ग्रांड प्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफर फीचर लॉन्च किया है? तो अभी गूगल मैप ने स्टे सेफर फीचर लॉन्च कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये फीचर क्या है? ये फीचर स्पेशली गूगल ने टैक्सी को ध्यान में रख के लॉन्च किया है, टैक्सी में जो आप गूगल मैप यूज करते हैं उसके लिए लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आपकी लाइव लोकेशन आपकी फैमिली के साथ या आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई भी ट्रेजिडी होती है तो तुरंत इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली को पहुंच सके, जिस भी फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे हो उसके साथ पहुंच सके। तो ये है स्टे सेफर फीचर, इसे स्पेशली टैक्सी के लिए गूगल मैप ने लॉन्च किया है और इसे आप गूगल मैप को अपडेट करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे निवेश की वस्तु के रूप में चिन्हित किया गया है? तो अभी मधुमक्खी को निवेश की वस्तु के रूप में चयनित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मधुमक्खी पालन विकास समिति ने मधुमक्खी को अब निवेश की वस्तु के रूप में चयनित कर दिया है। आपको पता है मधुमक्खी से शहद मिलता है, मधुमक्खी से मोम भी मिलता है, और अब मधुमक्खी पालन विकास समिति ने मधुमक्खी को एक निवेश की वस्तु के रूप में चयनित कर दिया है, यानी कि जो मधुमक्खी का जहर होता है उससे भी कई दवाइयां बनाई जाती हैं, तो अब मधुमक्खी एक निवेश की वस्तु बन गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया की नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो अभी एस्ले वार्टी दुनिया की नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।